नगर परिषद अंबाला के अधिकारियों ने अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित बिल्डिंग पर पीला पंजा चलाकर उसे धराशाही कर दिया। भारी पुलिस बल के बीच नगर परिषद की टीम कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और उनके आदेश पर देखते ही देखते 3 JCB ने एक एक करके ताश के पत्तों की तरह नवनिर्मित बिल्डिंग को गिरा दिया। पता चलते ही बिल्डिंग के मालिक दीपक बत्रा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जर्नेल सिंह को कागजात दिखाए, लेकिन उन्होंने इन्हें मानने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें अदालती आदेश है जिस पर कोई कार्रवाई करने पर बाध्य हैं। इस मौके पर बिल्डिंग के मालिक का क्या कहना है, आप भी सुनिए। ने हमारे पास सब ऑर्डर है, हमारी इसका CLU हो रखी है 1919 की, इसमें हमारे पैसे कमेटी में जमा है, जो इनके चार्जेस थे इन्होंने हमारे से डिमांड नोटिस किया, हमने 10,98,500 रुपये इनके जमा कराया, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। ये एक तानाशाही हो रही है, धक्का हो रहा है, हमारे को बर्बाद करने की नीयत से सब काम हो रहे हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानने को तैयार है। नेक्स्ट टाइम हम कोर्ट में फिर जाएंगे, हमारे पास और कोई है ही नहीं, चारा ही नहीं है। कितने साल से ये होटल बना हुआ था? ये बने हुए, इनको हमने नोटिस जब दिया था कि ये कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग, 2022 में हमने इनको नोटिस दे दिया था कि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, आके इसको चेक कर लो। इन्होंने हमें कोई रिप्लाई नहीं दी, हमने इनको टाइम टू टाइम खुद नोटिस दिए कि डीम टू बी पास है, डीम टू बी पास के मुताबिक हम इसको बना रहे हैं, आके देखो ये वैसे बना है कि नहीं बना। वही नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जर्नेल सिंह और परिषद सचिव राजेश कुमार का कहना है कि इनके पास ऑफलाइन यूज का प्रमाण पत्र भी नहीं है, साथ ही ट्रिब्यूनल से इनकी अपील खारिज हो गई है, जिसके बाद इन्हें नोटिस भी जारी किए गए, जिसके बाद डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। इसमें जो कोई भी जो जीटी रोड पे है नेड़ा के पास, और इसमें जो CLU जरा नीली गई थी, और जो ट्रिब्यूनल में केस था तो ट्रिब्यूनल से ये जो अपना रिजेक्ट हुआ, तो उसी जो कोर्ट की आदेशों की पालना में ही ये जो आज कार्रवाई की जा रही है। आज हाई कोर्ट में भी इनकी पेशी लगी थी, तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं, अभी आज जैसे ही जो कोर्ट का आदेश था कि जैसे अगर उनको कोई वहाँ स्टे या कुछ था परमिशन होती तो तभी थी, वो अभी तक नहीं था, तो जो इनके इन्होंने आदेशों के कोर्ट के जो आदेशों की पालना में ये जो आज कार्रवाई की। इसके अलावा भी जो आस पास है कई इलीगल बिल्डिंग्स हैं और वो बिल्कुल NH1 के दायरे में नहीं है, उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है या उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? उनका भी अगर जैसी भी है कार्रवाई देखी जाएगी, कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि जो भी अनऑथराइज्ड होगी उन पर सभी कार्रवाई होगी। एक तरफ तो परिषद इस बिल्डिंग को अवैध करार दे रहा, तो वही बिल्डिंग मालिक का कहना है कि उनके पास CLU से लेकर सभी कागजात मौजूद हैं और उन्होंने नक्शा पास कराने के लिए भी लाखों रुपए नगर परिषद में जमा करवा रखे हैं। ये कार्रवाई किसी के इशारे पर हो रही है जो गलत है, इसके खिलाफ वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सत्य खबर के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।